मुल्क में पेट्रोल की मौजूदा कीमत बरकरार रखने से सब्सिडी की शरह बढ़ गई है। मजमूई तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत पर फी लीटर सब्सिडी की मालियत 86 रुपए से जायद हो चुकी है। हुकूमती फैसले से कौमी खजाने पर 50 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ रहा है। हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की मौजूदा कीमत बरकरार रखने से सब्सिडी का बोझ मजीद बढ़ गया। आज़ादा शुमार के मुताबिक हुकूमती फैसले के बाद हाई स्पीड डीजल पर सब्सिडी की शरह 86.71 रुपए फी लीटर और पेट्रोल पर 1 लीटर पर 47.02 रुपए हो गई। लाइट डीजल ऑयल पर हुकूमत को 67.84 रुपए फी लीटर और मट्टी के तेल पर 51.83 रुपए फी लीटर सब्सिडी बर्दाश्त करनी होगी। मजमूई तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी से कौमी खजाने पर 50 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने आज से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी थी। वज़ीर-ए-आज़म के फैसले के तहत पेट्रोल की फी लीटर कीमत 149.86 रुपए और हाई स्पीड डीजल की कीमत 144.15 रुपए पर बरकरार है। कीमतों में रद्दबदल न करने के बाईस मुल्क में 1 लीटर मट्टी का तेल 125.56 रुपए और लाइट डीजल 118.31 रुपए में फरोख्त हो रहा है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगले 15 रोज तक बरकरार रहेंगी।